लगाइए लगाइए। मंचूरियन टेस्ट करके बताइए जरा कैसा हो रहा है। एक जंगलों में भाई तकड़ी वाली बर्फबारी हो रखी थी, देखो। तो अभी निकल चुके हैं भाई बारात घर से। तो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर आज यूट्यूब चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत उठते ही हो गई भाई। जैसे ही मैं उठा बाहर पे देखा कल रात को, आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फबारी चल रही थी, तो मैंने कहा सुबह तक देखते हैं कितने पड़ रखे। तो अब भी बताते हैं आप लोगों को, ये देखो भाई ये हो रखी थी बर्फबारी, जो कि अभी पिघल चुकी है और इस साइड के खेतों में रह रखी है भाई थोड़ी बहुत बर्फ ही। देखो और पल्ली खोला जो कि उस साइड के घर है वहाँ पर जो बर्फ गिर रखी थी वो पिघल चुकी है अभी फिलहाल। और जंगलों में भाई तकड़ी वाली बर्फबारी हो रखी थी देखो, और उस साइड को देखो भाई एक भी बर्फ नहीं पड़ रखी है। सामने वाली पहाड़ी पे पड़ रखी है थोड़ी बहुत, बाकी इस साइड को जो पड़ रखी है वो पिघल चुकी है भाई, क्योंकि उस साइड को जल्दी धूप निकल कर आ जाती है भाई। और अभी भाई देखो इस साइड के घरों पर, क्योंकि अभी धूप निकल कर नहीं आई तो बर्फ अभी वैसी की वैसी है भाई। और ये बर्फ देखो पाले से कितनी टाइट हो रखी है भाई, ये देखो भाई साहब। तो कल रात को तो ऐसा सीन हो गया था कि अगर सुबह तक ऐसी कंटिन्यू बर्फबारी चलती रहती ना भाई, तो ये देखो टेंट हम लोगों को निकालना पड़ा, तो भाई डंडे डंडे टूट जाते भाई सारे। ये देखो वहाँ पर तो भाई बहुत लेट आती है धूप ताऊ जी उनके घर पे भाई। तो अब हम लोगों को क्या करना है, बारात के लिए खाना भी बनाना है, तैयारियाँ भी करनी है, और इस वाले घर पर भी भाई अभी टेंट वगैरह का सेटअप करना है हम लोगों को अभी। तो चलो यार पहले मैं ये काम करता हूँ, पानी लगाता हूँ गर्म करने के लिए, और मुँह हाथ धो के भाई नहा धो के नीचे चलते हैं काम करने भाई। तो चलिए भाई अभी रेडी हो चुके हैं। अब सबसे पहला काम ये है कि नीचे यहाँ पे टेंट लगाना है जो सामने वाला घर है, और जिनके घर पे जाना है वहाँ पर डांट खानी है कि वो बोलिए अभी तक यहाँ पर नहीं आया, 10 बज चुके हैं। और यहाँ पर भाई फिर से लग गए हैं लौंडे लोग अभी सूप बनाने पे भाई। अरे सफाई वो तो लोग इग्नोर कर देते हैं यार, मेरे ऑडियंस ऐसी है वो इग्नोर कर देती है सफाई के, वो एडिट करके हम ग्रीन स्क्रीन लगा लेंगे यार। सफाई कहाँ होती है यार, होटल बन रखा है अभी तो, ढाबा खोल रखा है यहाँ पर आज। ये देखो भाई कटिंग वगैरह कर रखी है, प्याज गोभी और अदरक लहसुन सारा अभी यहाँ पर बनाना है। क्या बनाना है दिनेश भाई, क्या बनाना है अभी? अभी बनाना मंचूरियन, तो कल रात को बन गए मंचूरियन, ग्रेवी बनानी है उसकी भाई। देखो सारे वेजिटेबल वगैरह काट रखे हैं और अभी पानी भी चढ़ा रखा है यहाँ पर, मंचूरियन यहाँ पर बना रखे हैं। एक बार ये और दिखा देते हैं आप, ये बना रखे हैं भाई मंचूरियन, कल रात को बनाए थे, दाग लग जाएगा। पहुँच चुके हैं भाई अभी नीचे वाले घर पे, और यहाँ पर भाई दिन के खाने की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है भाई। देखो दाल चढ़ा रखी है, कटिंग कर रखी है, और तम्बाकू पी जा रही है भाई, बुजुर्ग आदमी को आराम दिया जा रहा है। और वहाँ पर भी भाई 3-4 पतीले चढ़ा रखे हैं भाई सामने, और देखो लकड़ियाँ अभी पूरी गीली हो चुकी है भाई, कल रात की जो बर्फबारी हुई थी ना। अभी दाल भी यहाँ पर देखो, दाल मखनी भी बनने वाली है, उसमें बन गया दम बिरयानी भाई, जो पतीला चढ़ा रखा है, और कारीगर देखो भाई जितने सब कारीगर हैं भाई बिरयानी बनाने के। और मेरे साथ घूम रहा है चमन सिंह, चमन सिंह ए एक देख कड़ियारी नहीं खिंच रही। और कल रात को हम लोगों को एक टेंट का साइड नीचे निकालना पड़ा, अभी ऊपर बर्फ रह रखी है ऊपर भाई छत पे, तो नीचे फेंकना है उसे, उसके बाद भाई इसका सेटअप भी करना है, सामने वाले घर पे भी सेटअप करना है भाई उस वाले घर पे। अभी यार डीजे का सेटअप कर रहे हैं हम लोग, 12 थोड़ी देर में पहुँचने वाली है, और खाना भी स्टार्ट हो चुका है भाई दिन का। गाँव वालों को छोटे छोटे बच्चों को बुजुर्ग लोगों को खाना खिलाया जा रहा है अभी, और उसके बाद भाई यहाँ पर स्टेज भी बनाना है भाई, खाना खा के नहीं, खाना तो बाद ही में खाएंगे, स्टेज का डेकोरेशन करना है, उससे पहले इसका सेटअप करना है भाई यहाँ पर। और अभी भाई हम लोगों ने ना डेकोरेशन भी कर लिया है भाई, बैक स्टेज सजा लिया है यहाँ पर, अभी इसके ऊपर मैट बिछानी है, जयमाला की तैयारी कर रहे हैं भाई हम लोग, अभी तक खाना भी नहीं खाया, जब्बू जुल्फिकार सब लगे हुए हैं भाई, भैया जी अपने
और लिपाई भी चल रही है यहाँ पर अभी, तो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए हुआ है। अभी यहाँ पर डेकोरेशन किया जा रहा है। इधर तक मैट लोन, इधर तक इधर तक चटाई लोन है, और अभी इसके ऊपर मैट रखनी है और जय माला की कुर्सी रखनी है। भाई सस्ता जुगाड़ कर रखा हम लोगों ने, सस्ते फूल लगा रखे हैं भाई यहाँ पर। बस भाई बस वही बस हो गया, बहुत अच्छा डेकोरेशन हो गया। कट्टे लेके तो अभी भाई सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है, टेंट वगैरह सेटअप भी कर लिया है, सामने स्टेज भी सजा लिया है, और अब खाना खिलाने की तैयारी करते हैं भाई। बारह तो के खाने की जो व्यवस्था हो रखी है वो सामने वाले घर पे हो रखी है, यहाँ पर जहाँ पर कि हम लोगों ने अभी जस्ट टेंट का सेटअप किया है, और गेट भी सज चुका है भाई। इस पर पहिया लगाना था, पहिया लेकिन लाए नहीं अभी। और अभी इस वाले घर पे भी भाई पूरी सजावट हो चुकी है, यहाँ पर बुफे सिस्टम लग रखा है खाने के लिए, ये देखो। और लौंडे लोग मेहनत करने वाले भाई, ये देखो लौंडे लोग ने कुर्सियाँ भी सजा ली है, यहाँ पर टेबल का जुगाड़ भी कुछ सस्ता जुगाड़ कर रखा है फिलहाल अभी जल्दबाजी में। भाई यहाँ लौंडे लोगों ने कितना जबरदस्त डेकोरेशन कर रखा है भाई, ये देखो भाई साहब किसने कर रखा है भाई इसको, कौन है ये देखो, कारीगर लोग ये रहे हैं भाई इसके। यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, ये क्या बन रहा है, अभी ग्रेवी अभी तक नहीं बनी भाई, ये देखो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको बनने में। और यहाँ पर सलाद का डेकोरेशन मस्त कर रखा है भाई इन्होंने। तो चलिए भाई फाइनली बारात भी आ चुकी है, और अभी यहाँ पर भाई सजावट भी हो चुकी है गेट की भाई देखो, और अभी रिबन कटेगा उसके बाद बारात की एंट्री होगी भाई। कुछ इस टाइप से होती है भाई, पहाड़ों की शादी के जो रीति रिवाज होते हैं ना कुछ इस टाइप के होते हैं भाई। ये रहे भाई दूल्हे राजा, और ये रही भाई पूरी बारात जो कि आ रही है कपरोली गांव से भाई। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि भाई बारात कहां से आई क्या आई कुछ नहीं बताते हो, तो इस बारे बता दिया भाई कपरोली गांव से बारात आ रही है। दूल्हे राजा जी ये रहे, दुल्हन अभी अंदर सज रही है, हमको खौर आ रही है इधर है, और हमें अच्छा है हमको खौर आ रही है, हमें अभी देख लोग पारा देखेंगे, हम चाय 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 पहन लेवल पहन। ताऊ जी को फिलहाल भाई पिठाई वाला बना दिया हम लोगों ने अभी, ताऊ जी हमारे टीकाकरण करेंगे भाई अभी। खाने का डेकोरेशन भी कर लिया है, खाना लगा दिया है, उससे पहले भाई यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है अभी अभी गेस्ट लोगों का भाई।
जो हमारे पहाड़ों का रीति रिवाज होता है कि टीकाकरण किया जाता है, सबसे पहले टीका लगाया जाता है और धूम्रपान भी कराया जाता है भाई कभी कभी। ताऊ जी को यहाँ पर 10 रुपए मिल चुके हैं, खुशी देखो भाई ताऊ जी की। 10 रुपए, 10 रुपए की खुशी। हेलो भाई, हेलो भाई। अरे बीमारी ब्रो, वंडरफुल। बेटे को 10 रुपए बाकी दे रहा हूँ। जब मैंने वीडियो चालू की तब निकाला 10 करोड़, नहीं तो पागल हो गए थे भाई खुशी के मारे। चलो अभी भाई खाना भी स्टार्ट हो चुका है भाई, तो सबसे मेन जो टेंशन थी कि लास्ट तक बारातियों के खाने की व्यवस्था करनी थी, जो मौसम ने साथ ठीक दिया। आज 11 बजे से बारिश बता रखी थी लेकिन बारिश अभी तक हुई नहीं, हल्के फुल्के बादल छा रखे हैं। और जैसे ही बाराती खाना खा लेंगे उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे भाई, तब नो टेंशन भाई। अब तक खाना तक नहीं खा रखा हम लोगों ने भाई अभी। अरे मंचूरियन बना रखा है, बहुत सारी डिशे बना रखी है भाई लौंडे लोगों ने भाई, कारीगर लौंडे लोग हैं खतरनाक यार। अभी लाइन देखो भाई, उत्तराखंड की सेब बोल रहे हैं यार, जो उत्तराखंड के पहाड़ी सेब, उत्तराखंड के सेब ही सेब, उत्तराखंड की सेब और हैं, और ये हमारे सबसे बड़े सेब ये हैं, सबसे बड़े पूरी सेब दे रहे जो पूरी बांटने को लगे। मंचूरियन टेस्ट करके बताइए जरा कैसा हो रहा है, एक बार टेस्ट करके बताइए कैसा है मंचूरियन वाले। रील पे रीले बनाए जा रही है भाई यहाँ पर, कौन सा जमाना है भैया, तो सूरज टनांगन बारी नचने दमा दम, वही वाला है यहाँ, वही वाला सीन है। ये देखो भाई बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर बैठ रही है भाई, मस्त करके धूप सेक रहे हैं यहाँ पर। अभी गेस्ट लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं और ये लोग यहाँ पर धूप खा रहे हैं, धूप सेक रहे हैं मतलब। और अभी जयमाला की तैयारियाँ थोड़ी देर में शुरू होने वाली है भाई। बहुत सी फालतू की चीज़ें आप लोगों को दिखा दी है लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो आप लोगों को नहीं दिखाई भाई, यहाँ पर जो है पूरियाँ बन रही है और लगे हुए हैं भाई सब। देखो कोई लहंगा पहन के ठुमके लगा रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं भाई, सब अपना अपना देख रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये दूसरों का देख रहे हैं भाई, ये दूसरों का देख रहे हैं कि मतलब दूसरों ने खाना खाया नहीं खाया, दूसरों के लिए काम हो रहा है यहाँ पर, बाकी सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। चलिए भाई अभी सारा काम निपट चुका है और जयमाला भी हो चुकी है भाई, मैं जयमाला के टाइम पे खाना खाने चला गया था इसलिए वीडियो भी शूट नहीं हो पाया। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो अब फोटो शूट हो रहा है भाई यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर चलता है फिलहाल फोटो शूट। और मैंने इनकी क्लोजिंग करनी है, उससे पहले हम लोगों को जो दूसरा वाला घर है वहाँ पर टेंट वगैरह का सेटअप क्लोज करना है भाई। शाम के 5 बज चुके हैं भाई, टाइम पता नहीं कितना हुआ, 5 मैं अनुमानित बोल रहा हूँ। और यहाँ पर अभी दान दिया जा रहा है भाई, 2 लिफाफे मैंने भी पकड़ रखे हैं हाथ पे लेकिन बारी नहीं आ रही भाई, आधे घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हो रखा हूँ भाई। और थोड़ी देर बाद बारात जाने वाली है भाई वापस दुल्हन को लेके, देखो भीड़ लग चुकी है यहाँ पर अभी दान देने वालों की, हम कब से यहाँ पर वेट कर रहे थे भाई। देखो पड़ेगा भाई, उसके बाद रेडी भी होना है कपड़ोली जाने के लिए भाई। आहा, तो फाइनल हो गया क्या हुआ फाइनल सर, क्या हुआ फाइनल, लड़कियों की तरह मुंह छुपा रहे हैं भैया। ये देखो खाने के कारीगर हमारे मिस्त्री जी, जब तक मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तब तक कट 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 हो जा रहा है भाई। लौंडे लोग भी आ रहे, रेडी होकर आ चुके हैं ये देखो, और मैं भी हो गया भाई रेडी,
अब निकल रहे हम लोग भाई सीधे कपड़ोली के लिए, बारात भी निकलने वाली है भाई यहाँ सर। तो अभी निकल चुके हैं भाई बारात घर से। और ये हमारे भाई लोग अभी कंडी पकड़ के निकल चुके हैं भाई कपरोली गाँव के लिए, साथ में मैं भी जा रहा हूँ और मेरी जो कंडी है वो भाई लेकर जा रहा है, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है भाई। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी पहुंच चुके हैं भाई कपरोली गांव में, मैं तो वीडियो शूट नहीं हो पाया भाई, ठंड से बुरे हाल हो गए। भाई लेके आया मैं अभी, और जस्ट यहां साहब रोड से ऊपर जाने की तैयारी हो ही रही है भाई, ये रहा एंट्री गेट, और निकलते हैं भाई यहां से भी ऊपर। अभी हो चुका है यहां का भी स्वागत पटाखे जला के। कंडी देकर निकल पड़े हम लोग भाई गांव के लिए, गांव के लिए नहीं घर के लिए भाई, इस घर पे हम लोगों को पहुंचना है भाई साहब। अब तो इतनी चढ़ाई भाई हमारे गांव में भी नहीं काटनी पड़ती है जितनी यहाँ काटनी पड़ती है। दर्शक भी आ रखे भाई बारात देखने वाले, क्यों भैया ये देखो भाई हम लड़कों की हालत, हम लड़कों के साथ ऐसे ही होता है भैया। तो अभी उस वाले घर पे जाना है भाई जो कि नज़र भी नहीं आ रहा है अभी ठीक से, ऊपर देखो और रास्ता रहा भाई ये, अभी यहाँ से कहाँ पलटूँ, यही ना पक्का। दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट हो रखे हैं और यहाँ पर स्नैक्स भी आ गया भाई, बोतल नहीं चढ़नी भाई, एक चढ़नी सी बोतल खा ले यार भाई ना। दूसरी जगह शिफ्ट होके अब स्नैक्स पे टूट पड़ते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक तो पीनी नहीं है भाई ठंड हो रही है, वैसे मैंने एक ग्लास पी लिया, चाय भी पी ली है, बिस्किट भी खा लिए हैं, और अब ये स्नैक्स निपटाने की बारी है। उसके बाद भाई क्या करना है कुछ पता नहीं, डांस कर लेना भाई, हम नहीं करेंगे। चलो भाई सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे, ये नहीं दिखाई दे रहा था। स्नैक्स भी खत्म कर दिया भाई हम लोगों ने अभी, और अब खाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है भाई, अब खाना खाने के लिए जाना है भाई। अब जस्ट भाई स्नैक्स इतना खा लिया है कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन खाना पड़ेगा भाई, फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ेगी भैया। चले भाई खाने के लिए भी बैठ चुके हम लोग, चलेगा चुड़ैल है खा ले, हाँ
खाना का मना करोगे तो फिर क्या। चले भाई प्लेटें भी लग चुकी है, खाना खाते हैं, ठंड हो रही है भाई तगड़ी वाली अभी। इधर मैं सो रहा हूँ, इधर मोटा आदमी नहीं चाहिए मेरे को, पतला आदमी चाहिए, मैं चौड़ा होके सोता हूँ भाई बिल्कुल खुले में। तो अभी यार हम लोग रोटी खा के और उसके बाद भाई डांस करके अपने रूम पे पहुंच चुके, अपने नहीं किसी और के घर पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर कि हम लोगों की सोने की व्यवस्था हो रखी है। विनोद भाई ऑलरेडी सो चुके हैं और दूसरे भाई अभी जूते निकाले, तीसरे भाई बाहर जा रखे हैं और चौथा मैं हूँ भाई। मेरी शक्ल बार बार देखो आप लोग, जितना बोर होना है मेरी शक्ल देखकर आज ही बोलो, उसके बाद कल हो ना हो। तो इस वाले बेड पे हम दो बंदे सोने वाले हैं, दो बंदे उस वाले बेड पे सोने वाले हैं। और उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि ब्लॉग एंड करने वाला हूँ। तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा विपाड़ी का। तो अगर आप लोग विपाड़ी के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अगर आप लोग पुराने तो लाइक करना, कमेंट करना, दबा के शेयर करना। इसी टाइप से आगे भी विपाड़ की वीडियोस देखते रहना, विपाड़ी को सपोर्ट करते रहना। ठीक है भाई, कल सुबह करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। टाटा गुड बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।